बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द सेट विच हैज, इन सेट्स के नाम बताने हैं जिसका क्या है, विच हैज ओनली वन सबसेट, जिसका एक ही सबसेट होता है। तो देखें बेटा कि ये मैं ऊपर कर देता हूँ, जो एम्प्टी सेट होता है ना, इसके जब सबसेट बनाएंगे हम, तो मैंने बताया था कि जब भी सबसेट बनाए तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना होता है। तो अब इसके अंदर कोई और एलिमेंट है ही नहीं है जो इसका और सबसेट बनाए, तो एम्प्टी सेट जो होता है ना उसका एक ही सबसेट होता है, ठीक है ना। तो ओनली वन सबसेट जिसका होता है वो कौन सा सेट होता है, वो होता है एम्प्टी सेट। क्या आप ऐसे लिख दें यहाँ पे, ये इसका आंसर है एम्प्टी सेट। क्या वैसे एम्प्टी सेट लिख दें स्पेलिंग के साथ। इसी तरह ये दोनों सेम ही है। एक तीसरा है नो प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिसमें उससे कम एलिमेंट हों। अब देखें एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट बनता है, ये बिल्कुल इसके इक्वल है। जो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, उनको तो इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं ना, इक्वल सेट को इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो लेकिन प्रॉपर एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो नो प्रॉपर सबसेट किस सेट का नहीं होता, एम्प्टी सेट का। इसका भी एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा और इसका भी एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट है ओनली वन प्रॉपर सबसेट, के वन प्रॉपर ऐसा कौन सा सेट है जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट होता है। तो ऐसा एलिमेंट, ये मैं ऊपरी बुक के सॉल्व कर देता हूँ ताकि ये सामने सामने रह जाए। अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो, मिसाल के तौर पे ए है, इसके सबसेट बनाए, तो सबसे पहले कौन सा सेट बनेगा, एम्प्टी सेट, उसके बाद ये अपना आप। तो जो बिल्कुल इक्वल होता है, ये तो इम्प्रॉपर सबसेट है ना, तो लेकिन ये जो होगा ये इसका प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह एक और मिसाल देते हैं, वन सबसे पहले इसका एम्प्टी सेट और फिर ये वन। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी कि इसका एक ही प्रॉपर सबसेट बन रहा है, जो बिल्कुल इक्वल होता है वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट। वैसे दो सबसेट दो हैं, एक सबसेट की दो किस्में हैं ना, एक जो छोटे होते हैं वो इम्प्रॉपर, वो प्रॉपर होते हैं, जो बिल्कुल इक्वल होता है वो इम्प्रॉपर। उन्होंने पूछा कि कौन सा ऐसा सेट होता है जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट होता है, ये छोटा सेट एक ही होता है। तो वो ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, जो सा मर्जी एलिमेंट हो, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा ना, एक उसका एम्प्टी सेट हो जाएगा, एक वो खुद अपने आप हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा सिंगलटन, सिंगल लिख के ना, स्पेलिंग आगे SINGLETON, सिंगलटन। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट वाले सेट्स का एक ही प्रॉपर सबसेट बनता है। पीछे आंसर बुक के लिखा भी हुआ है, लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, यानी एलिमेंट की तादाद बतानी है, एलिमेंट ही बताने कौन कौन से हैं, इन द फॉलोइंग, इन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का वही फार्मूला है जो सबसेट फाइंड करने का फार्मूला हमने जिक्र, 2 की पावर n, n का मतलब होता है एलिमेंट की तादाद, 1, 2, 3, 4, 5 है, 2 की पावर 5 होगी। अब पावर हमें ये बताती है कि नीचे वाले नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है कितनी मरतबा, 5 मरतबा। तो 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई बेटा करोगे ना 5 मरतबा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे 5 मरतबा, तो ये आ जाएगा 32। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे 32, ये इसका आंसर है। अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखें कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ही फाइंड करने हैं। तो ये सेट दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर n, n का मतलब एलिमेंट की तादाद, इन सारों को गिनो, 0 से गिनना शुरू करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 होगी। तो 2 को अपने आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा ये 64। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 64, ये आंसर है। थर्ड पार्ट में बेटा जो सेट दिया हुआ है वो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 2 की पावर n फार्मूला होता है, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर एलिमेंट की तादाद 0 है, यानी कोई एलिमेंट नहीं है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू हो जाता है 1, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 1, ये बेटा इसका आंसर है।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनके पावर सेट फाइंड करने हैं। तो पावर सेट फाइंड करने के लिए पहले हमें इसके सब सेट फाइंड करने हैं। सब सेट फाइंड करने का मैंने डिटेल से मेथड इसके क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है, या क्वेश्चन नंबर उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया हुआ है। तो पहले मैं इसके सब सेट फाइंड करता हूँ। इसको सपोज कर लेते हैं कि ये लेफ्ट ये ए के इक्वल है, जिसके मर्जी इक्वल कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, सब सेट ऑफ ए। तो सब सेट लिखने का मेथड पहले बताया होगा, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना होता है। एम्प्टी सेट चाहे ऐसे लिख दें या दोनों खाली ब्रैकेट डाल दें, फिर ए, फिर बी, फिर ए एंड बी। यहां तक तो आपने जो पहले तीन क्वेश्चनों में मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। अब पावर सेट की बात आ गई। पावर सेट लिखने के लिए P इंटू जो भी यहाँ पे इसको नाम दिया होता है वो लिख दें। इसका मतलब होता है कि पावर सेट ऑफ A, इन्हीं सारे सब सेटों को दोबारा लिखें, B सेट A और B के दरम्यान में कॉमा है, इन्हीं सारे सब सेटों को एक और ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। देखो ना, सारे सब सेटों को एक का एक और सेट बना देना है, या सादा लफ्जों में सारे सबसेटों को एक और ब्रैकेट में डाल देना है। तो ये इसको कहते हैं पावर सेट। इसके लिए मैं बच्चों को एक और भी एग्जांपल देता होता हूँ, अगर आपको भी याद रह जाए तो। जिस तरह हम बाद बाजार में कोई चीज़ लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पे कोई सब्जी लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं 5 किलो, वो हमें एक शॉपर में डाल देता है। हम कहते हैं यार एक शॉपर में ना डालो, ये ग्रास में फट जाएगा, डबल कर दें। तो जब वो डबल शॉपर कर देता है ना, तो उसमें वो शॉपर हम समझते हैं कि मजबूत हो गया, उसमें वो जल्दी फटेगा नहीं अगर हमको पंगा ना ले। तो इस तरह मैं समझता होता हूँ कि ये सारे है ना ऐसे, इनको एक और शॉपर में बंद कर दिया, यानी एक और ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसके अंदर पावर आ गई, इसको पावर सेट कहते हैं। ये याद रखने की एक ट्रिक है, ये ना कहना सर हम तो अपना थैला कपड़े का ले गए थे, ऐसी बात नहीं करनी। तो ये इसको सारे सबसेटों को एक और ब्रैकेट में बंद कर देना, यानी सबसेटों सबसेट्स का एक और सेट बना देने को पावर सेट कहते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, लेट इस पहले को ए लिखा था, इसको बी लिख लेते हैं। अब इसके हम सब सेट बनाते हैं। तो ये बेटा मैंने इसके तमाम जो सब सेट्स हैं वो लिख लिए। अब इसके पावर सेट लिखने के लिए पावर इनटू पावर सेट ऑफ बी, इन सारे सेट्स को दोबारा लिख के एक ब्रैकेट शुरू में और एक ब्रैकेट एंड में लगा देंगे। तो बेटा ये मैंने तमाम इसके जो सबसेट्स हैं उनको दोबारा लिख लिए। ये तरतीब शुरू में मैं 0 लिखना भूल गया था, तो मैंने 2 पहले लिख दिया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरतीब आगे पीछे हो जाए। तो ये सबसेट्स को सारों को मैंने दोबारा लिखा और इसको एक ब्रैकेट शुरू में लगा दी और एक ब्रैकेट यहाँ पे एंड हो रहे वहां पे लगा दी। इसको बोलते हैं पावर सेट। तो ये बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में सी सेट, इसको हमने सपोज किया कि सी है ये, इसके पहले हम सबसेट लिखते हैं। जो 4 एलिमेंट होते हैं उसके सबसेट बनाने का तरीका हमने जो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है उसमें भी सीखा हुआ है। तो दोबारा से मैं यहाँ करवाता हूँ। इसका डिटेल जो मेथड है वो मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर बेटा 2 में भी बताया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया हुआ है कि अगर 4 एलिमेंट दिए हों तो उसके सबसेट कैसे फाइंड करने हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है, फिर सारे एलिमेंट्स को अलग अलग सेट में बंद कर देना है, फिर पहले एलिमेंट को 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। ये देखो यहाँ तक हो गया, फिर 1 का सबके साथ पेयर बन गया, फिर 2 को 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। फिर उसके बाद 2 की बारी भी खत्म हो गई, अब 3 को 4 के साथ। अब ये पहले 2 का पेयर बनाना है, 1 2 को 3 के साथ, 1 2 को 3 के साथ, फिर 1 2 को 4 के साथ, फिर 1 2 के साथ, पहले 1 2 को लेके सब के पास गया, फिर 2 खत्म कर देंगे, फिर 1 3 और 4, 1 3 और 4, 1 आप सब 1 ने आपने कोशिश कर ली है, 1 को आप खत्म करेंगे, अब 2 3 को लेके 4 के पास जाता है, 2 3 और 4, फिर एंड पे जाके इन सारों का बन जाता है सेट, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, जो टोटल 16 है। 2 की पावर अगर 4 करते हैं तो 16 आता है, तो 16 इसके सबसेट बन चुके हैं। अब इसके पावर सेट बनाने के लिए इन सारों को दोबारा लिख के इनको एक और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो अब इन्हीं सारे सबसेट्स को दोबारा लिख के शुरू में पी इंटू सी, यानी कि हमने सेट का नाम सी लिखा था ना, तो पावर सेट ऑफ सी, इन सारे सबसेट को दोबारा लिख के एक ब्रैकेट शुरू में और एक ब्रैकेट एंड पे। तो जब तक ये ब्रैकेट में क्लोज नहीं ना करेंगे तो ये पावर सेट नहीं बनता। बात अब स्टूडेंट ये सारे के सारे सबसेट तो लिख देते हैं,
क्वेश्चन आया होता पावर सेट का, तो पावर सेट लिखने के लिए पहले सब सेट लिख के उन सब सेट्स को एक और ब्रैकेट्स एंड पे और शुरू में लिखनी होती है, फिर जाके ये पावर सेट बनता है। अगर हम ये सारा काम कर लें सिर्फ एंड पे और शुरू में ब्रैकेट ना लगाएं तो हमारा वो आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो पावर सेट के लिए एक और ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। फोर्थ पार्ट है बेटा 101, जिसको भी हम कहते हैं कि लेट, ये पहले सी तक हमें लिखा है इसको डी, लेट ये डी के इक्वल है। तो इसके सबसेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसेट में सबसे पहला सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 101, तो ये 101 का ये वाला सबसेट बन जाएगा। तो ये इसके सबसेट बन चुके हैं, तो अब इसका पावर सेट बनाने के लिए पी इंटू डी। तो पावर सेट के लिए मैंने क्या बताया था कि तमाम सबसेट्स को एक और ब्रैकेट में बंद कर देना है तो वो पावर सेट बन जाता है। इसके अंदर यही एलिमेंट था तो मैंने इसी को इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वाला जो सबसेट है वो है एम्प्टी सेट। तो इसका बेटा सबसेट क्या बनेंगे, पावर सेट के सबसेट एम्प्टी सेट का एक ही बनेगा सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर इसके अंदर कुछ है नहीं है जो कि इसका नेक्स्ट सेट बनाए। इसको हमने सपोज किया कि लेट ये ई है, तो पी इंटू ई, तो इसके जो सबसेट एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है, तो इसके इसको एक और ब्रैकेट सेटों पे लगा देंगे तो फिर पावर सेट बन जाएगा। तो ये बेटा एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।